हाँ जी, जय हिंद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, राम राम। मेरे भाई यश, गुर्जर, रितु, अभिषेक, सलोनी, जय हिंद, जय हिंद। सभी लोगों का एक बार वॉइस का क्लियर कर दें। वॉइस आ पा रही है बेटा प्रॉपर? वॉइस प्रॉपर आ रही है? लक्ष्मण पंडित, जय हिंद। ठीक है, ओके, चलो। गुर्जर, जय हिंद, जय हिंद। तो बेटा फटाफट से एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो सभी लोगों तक। जो बच्चे अभी नहीं आ पाए हैं लाइव, उन तक इस लिंक को शेयर कर दो ताकि उनको पता चल जाए। आज जो बायोलॉजी की क्लास है, आज और कल ठीक 7:30 बजे से स्टार्ट होगी। मैथमेटिक्स की क्लास आज और कल नहीं होगी, ठीक है? तो जल्दी से काम करें, शेयर कर दे, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो भैया शुरू करें फिर, ठीक है? सारे के सारे आ गए तो चलो बेटा। सबसे पहले देखो, जैसा कि डेली अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले ये वाला मैं स्थान आपको डेली दिखाता हूँ कि अगला सिलेक्शन आपका होगा और यहाँ आपके फोटो आने चाहिए। जो अगली भर्ती, अगला एग्जाम है, अगले एग्जाम को क्वालिफाई करो और विद वर्दी के साथ यहाँ पर अपने फोटो को क्या कर दो, चिपकवा दो, ठीक है? ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जो आप लोगों के बीच से ही पढ़े हुए हैं और ये सारे के सारे ट्रेनिंग में चले गए हैं सिलेक्टेड होके। अभी रिसेंटली बैच के सारे बच्चे हैं। तो आप लोगों को अब करना क्या है, आप लोगों को इस जगह पे अपनी फोटो लाना है, जहां पर ये आपको इमोजी दिख रही है, यहाँ पर अपनी फोटो डालना है, ठीक है? चलो भाई, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सेशन का ये रहा। सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लीवर। निम्न में से कौन सा एक मानव के यकृत का कार्य है या मानव के जिगर का। यकृत को ही क्या बोला जाता है, जिगर। अब आपको काम बताना है कि हमारा जो लीवर होता है, लीवर का काम क्या होता है स्पेशली। पहला है पित्तरस का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूज। दूसरा है बसा का उपापचय करना, एक्चुअली में चा उपापचय लिखा है, उपापचय करना होता है यानी कि मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो भैया कि हो क्या जाएगा इसका आंसर। एकदम परफेक्ट आंसर आपको बताना है कि हमारे शरीर का जो लीवर होता है, ये लीवर किस काम के आता है। और लीवर से जितने भी क्वेश्चन बना सकता है बेटा, वो हर एक क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? तो देखो, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया कि सर बसा का उपापचय करता है और पित्तरस का उत्पादन भी करता है, तो भैया एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बोला था कि जो बाइल जूस होता है वो कौन बनाता है, लीवर बनाता है, यानी पित्तरस भी लीवर बनाता है। पित्तरस क्या करेगा, बसा का मेटाबोलाइजेशन करेगा, यानी कि ये भी है। और जब दो आंसर हो जाते हैं तो यकीन मानो चेक कर लेना, ऑल ऑफ दिस अबव का ऑप्शन चेक कर लेना, इट मींस ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब सुनो इस बात को कि यहाँ से क्वेश्चन बना कैसे कैसे सकता है। सबसे पहले जो लीवर होता है, जिगर, इसका आपसे अन्य नाम पूछेगा बेटा, अदर नेम पूछेगा कि इसका अन्य नाम क्या होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि बायोलॉजी में या मेडिकल की भाषा में इसे कहा जाता है हेपेटो, या फिर इसी को कहा जाता है हेपेटिक, या तो आप बोल दीजिएगा कि इसको क्या बोल जाता है, हेपेटो, या फिर बोला जाता है हेपेटिक। लीवर से दूसरा क्वेश्चन बना सकता है कि लीवर की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ लीवर आपसे पूछा जाएगा, यूनिट पूछा जाएगा लीवर की क्या होती है, तो हेपेटिक सेल होती है। कौन सी होती है, हेपेटिक सेल होती है। ये जितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं सारे निकालेंगे आज। इसको बोला जाता है हेपेटिक कोशिका, हेपेटिक कोशिका। फिर आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो ये बोला जाता है कि सर जो लीवर होता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे, तो आपको लिख देना है किसके बारे में, लीवर के बारे में, सबसे बड़ी ग्रंथि। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो होती है स्किन, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अंग पूछे तो बच्चे आपको लीवर का ही लिख के आना है, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन अगर आपसे पूछे तो किसके बारे में आपको लिख के आना है, लीवर के बारे में, दूसरा सबसे बड़ा अंग, है ना? मानव शरीर का अगर आपसे पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा अंग पूछे तो बच्चे किसके बारे में लिखाना है, दूसरा सबसे बड़े अंग में आपको लिख के आना है कि वो लीवर होता है। तो भैया हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपको बता देना है कि स्किन, हमारे जो स्किन होता है। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि अगर मैं आपसे डायरेक्टली ऐसी बात करूं कि सर जो हमारे शरीर का एक्सटर्नल
लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे, सबसे बाहरी सबसे बड़ा अंग पूछे तो स्किन, और इंटरनली सबसे बड़ा ऑर्गन पूछे तो फिर लीवर ही लिखना। सबसे बड़ा भी, सबसे हैवी भी, और सबसे बड़ी ग्लैंड्स भी, ये आपको किसके बारे में लिखना है? ठीक है, हाँ जी, किसके बारे में लिखना है तो बता देना है, लीवर के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं कि सर लीवर इन्हीं के अलावा और भी कुछ चीजों को क्या करता है, बनाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक तो हो गया बाइल जूस, बाइल जूस को बनाता है, इसके साथ साथ और क्या बनाता है तो बिलीरुबिन पिगमेंट बनाता है, यानी कि बिलीरुबिन पिगमेंट बनाता है जो येलो कलर देता है किसको, आपको बता देना, हमारे ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा को। कभी कभार ये ज्यादा बन जाता है तो हमारे ब्लड की जो प्लाज्मा होती है वो एकदम येलो कलर की हो जाती है, जिसके कारण हमें जॉइंडिस या पीलिया हो जाता है। दूसरा आपका एक और पिगमेंट बनाता है जिसे बोला जाता है ब्लीबर्डिन, और जो ब्लीबर्डिन पिगमेंट होता है ना, ये हरा रंग देता है। ये पिगमेंट कैसा रंग देता है बच्चे? हरा रंग देता है, और किसको देता है? इसी पित्तरस को। तो आप कह सकते हो कि जो पित्तरस का कलर होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। इस बात को ध्यान देना, किसके कारण होता है? ब्लीबर्डिन पिगमेंट के कारण। और बिलीरुबिन पिगमेंट कैसा देता है? येलो कलर, हल्का पीला रंग देता है ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा को। अगर ये संख्या में ज्यादा हो जाए या नंबर में ज्यादा हो जाता है तो हमको जॉइंटिस या पीलिया हो जाता है। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, हाँ जी, साक्षी, मोनका, वर्षा, अमित, शलोनी, अमन, अभिषेक, लक्ष्मण, यस, राजेश, वेरी गुड। चलें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये सारे के सारे काम, चाहे बाइल जूस को बनाना हो, चाहे फैट का उपापचय करना हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना हो। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किन स्टेजेस में होता है, किन किन प्रोसेस में होता है, तो आपने को ना तीन नाम लिख देना है। सबसे पहले होता है, एक तो प्रोसेस होती है हाइड्रोलिसिस, दूसरी प्रोसेस होती है आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस, और तीसरी होती है ग्लाइकोलिसिस। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे भागों में ब्रेक होता भी है तो किन प्रोसेस में? तीन प्रोसेस में। कौन कौन से? हाइड्रोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और तीसरा है ग्लाइकोलिसिस। ये तीनों प्रोसेस में आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देन आपको बता देना है, मेटाबोलाइजेशन। Exactly. तो इसका जो पहला आंसर था वो क्या था? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मानव यकृत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि लीवर के बारे में हमको ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है, सही बात फाइंड करनी है। तो चलो कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही हो सकता है, लीवर के बारे में ट्रू स्टेटमेंट आपको पता करना है कौन सा हो सकता है। पहला लिखा है लीवर इज ट्रायंगुलर इन शेप, यकृत का आकार कैसा होता है? तिकोना, यानी ट्रायंगल शेप का होता है। क्या ये बात सही है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया भैया, लाइक जरूर करते जाना है, सेशन को क्या करते जाओ, लाइक करते जाओ। प्रिया, साक्षी, अभिषेक, सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, लाइक सेशन को करते जाना है। ठीक है, चले भाई फटाफट से आंसर बताए कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? मानव यकृत के बारे में आपको सही कथन फाइंड करना है, सही कथन ढूंढना है, कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी। आंसर बोला कि सर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलो चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं। देखो सबसे पहले तो अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर बिल्कुल ट्राइंगल शेप का होता है, यानी तिकोना शेप का होता है। कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होता है, हमारा लीवर होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या लिखा है, यकृत एक मात्र आंत का अंग है। आंत का अंग की जगह आप आंतरिक अंग लिखना, आंतरिक अंग है जो पुनः उत्पन्न कर सकता है, यानी बिल्कुल ये भी सही बात है। हमारे बॉडी का लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन, ऐसा अंग है जो अगर टूट फूट भी जाता है तो दोबारा से वो बन जाता है। और लीवर को बनने के लिए जो मिनिमम डेज लगते हैं 21 डेज, 21 दिन में आपका लीवर कंप्लीट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मतलब दूसरा वाला भी सही है। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा और आंतरिक अंग है, ये भी सही है। देखो सबसे बड़ा आंतरिक अंग, अगर बाहरी पूछे तो त्वचा है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे तो लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर है। ठीक है, सबसे भारी अंग पूछे हमारे बॉडी का तो भी क्या है, लीवर है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो मतलब ये तीनों सही है, और तीनों सही है तो हम ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे बच्चे? ऑप्शन नंबर हम लगाएंगे डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी। गणेश, अमन, वर्षा, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है, क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर? लिखा है द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड आर, विभिन्न प्रकार के कंपाउंड या कार्बन यौगिक हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन कौन से है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, या सभी है?
कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड हैं, यानी कि वो कंपाउंड, वो यौगिक आपको बताना है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, तो इन चारों में कार्बन किसके पास उपस्थित होता है ये आपको बताना है। लिपिड्स यानी वसा के पास, न्यूक्लिक एसिड यानी प्रोटीन के पास, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के पास, और ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त में सभी के पास। अब जरा कमेंट कीजिएगा, मैंने आपको जब पढ़ाया था कि कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। ऑर्गेनिक वो है जिनके फॉर्मूले लिखने पर कार्बन प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बन आता है, इट मींस वो ऑर्गेनिक हैं। वो क्या है? ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। हाँ जी, एमपीपीएससी के दीवाने, वेरी गुड। चलो भाई, राजेश, यश, प्रिया, अभिषेक, सुनीता, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। भैया देखो, सारे के सारे बच्चे ना आंसर गलत लगा रहे हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को कंफ्यूज करता है। देखो क्यों करता है ऐसा, अगर मैं आपसे लिपिड्स का बोलूं कि सर जो लिपिड्स होता है वसा, ये किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे सर दो चीजों से मिलकर बना है, और दो चीजें वो कौन कौन सी हैं? एक तो हो जाएगा बच्चे जिसको बोला जाता है फैटी एसिड, और एक हो जाता है ग्लिसरॉल। एक क्या हो जाता है? ग्लिसरॉल। यानी कि दो चीजों से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है? वसा। एक तो वसीय अम्ल, फैटी एसिड को हिंदी में बोला जाता है वसीय अम्ल, और दूसरा किससे मिलकर बना है, तो बच्चे आपको बता देना है ग्लिसरॉल। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है, समस्या थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएगी जब आप फैटी एसिड का फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है? CH-CH-CH-CH-COOH, यानी लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका क्या होता है? जुड़ा होता है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो उसमें क्या आ रहा है? कार्बन प्रेजेंट है, इट मींस इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है। सेकंड आ जाओ, अगर मैं लिपिड्स की बात करूं, लिपिड्स से देखो क्वेश्चन क्या बना सकता है। लिपिड्स का कभी डाइजेशन नहीं होता, इसका इमल्सिफिकेशन होता है। इसका क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है, और क्रस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो अभी कुछ देर पहले ही अभी अपने पढ़ा है कि बाइल जूस की प्रेजेंस में इसका क्या होता है? वसीयकरण या वसीयकृत होता है। जो बसा होता है उसका क्या होता है? वसीयकृत होना होता है। किसकी प्रेजेंस में? बाइल जूस यानी कि ठीक पित्त रस की प्रेजेंस में होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि सर इसमें तो कार्बन है प्रेजेंट लिपिड्स में। अब मैं आपसे बात करूं कि सर न्यूक्लिक एसिड यानी प्रोटीन की बात करूं, तो देखो प्रोटीन के जो एलिमेंट होते हैं कि प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना है, आपसे एलिमेंट पूछा जाएगा, तो दोस्त आपको एलिमेंट यानी कि प्रोटीन के तत्व कभी भी पूछे तो आपको लिखाना है कौन कौन से होते हैं। CHON, यहां तक तो है मेन। अगर आपको सल्फर भी लिखना है तो आप सल्फर भी लिख दो। ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, और ये है सल्फर। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के अंदर भी क्या है दोस्त? कार्बन है। प्रोटीन के अंदर भी क्या है? कार्बन है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और चलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के भी कभी कभी तुमसे क्या पूछा जाएगा? एलिमेंट पूछा जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किन किन एलिमेंट या तत्वों से मिलकर बना होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ से भी आपको लगाना कि कार्बन में देखो, अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखोगे ना, C6H12 और O6, C6 मतलब कार्बन के 6 अणु है। कार्बन के कितने अणु हैं? 6 अणु। तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, C6H12 और O6। अगर इनको मैं क्रॉस करूं तो बन जाता है 1:2:1, ठीक है, मतलब इसमें भी कार्बन है। और दोस्त अगर इन तीनों में कार्बन है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बोलो सही है। अरे बोलो सही है। हाँ जी, द्विवेदी जी, जय हिंद। ठीक है, क्लियर है भाई इतना? अगर सभी को क्लियर है तो फिर एक बार कमेंट करें। अच्छा, कभी यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि कभी आप न्यूक्लिक एसिड या लिपिड्स को, 1 ग्राम लिपिड्स अगर आप खाते हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलने वाली है? तो लिख देना 9.3 से लेकर 9.5 कैलोरी तक इतनी एनर्जी मिलना है। कब? जब आप 1 ग्राम बसा को क्या कर लेते हो? डाइजेस्ट कर लेते हो। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? अगर आप प्रोटीन को, 1 ग्राम प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हो तो 4.5 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। यानी कि भाई साहब यहां से भी हमको एनर्जी मिलनी है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट को आप अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हो तो लगभग 4.2 से लेकर 4.3 कैलोरी तक क्या मिलने वाली है? ऊर्जा मिलने वाली है। तो ये बात थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो यहाँ से। ठीक है, हाँ बिल्कुल अमन, सही बात थी। तो एक काम करो फटाफट से, अभी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने क्या नहीं किया है, शेयर नहीं किया सेशन को, सबसे पहले सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, फिर एक एक क्वेश्चन पे हम लोग के एक एक ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी आराधना, जय हिंद। नेक्स्ट चलो प्रॉपर है। चलो भाई, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड आर,
कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? देखो, महत्वपूर्ण यौगिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। वैसे तो देखो, चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे आपके कार्बन वाले ही हैं, बट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं मेन सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? कुछ है जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने लाइक नहीं किए हैं। भैया किसका वेट कर रहे हो? हाँ, कुछ लोग आसपास भी होते हैं जो लाइक नहीं करते। वो बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे चलाते रहेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे। लक्ष्य अमन नरेंद्र, ठीक है, चलो फिर, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो, इसका बताओ जरा, अगर आपसे पूछे कि कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है, तो दोस्त आप बताओगे ना चारकोल, यानी लकड़ी वाला कोयला, इसे बोला जाता है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो लकड़ी वाला कोयला। इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा होता है। लेकिन दोस्त यहाँ से क्वेश्चन ना पूछने की पॉसिबिलिटी होती है कम। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे डायमंड का, डायमंड की तुमसे डेंसिटी पूछेगा, घनत्व तो कितना होता है। अगर कोई बच्चा है तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि घनत्व तो कितना होता है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट आपको डायमंड से बताना है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो मेल्टिंग तो मैं लिख रहा हूँ 4726 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये एक मात्र ऐसा नॉन मेटल है, यानी कि ये कैसी अधातु है जो सबसे कठोर होती है। सबसे कैसी होती है, कठोर होती है। तो अभी तक ये बोला जाता था कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है, जो कैसी है, आपकी मेटल है, धातु है। लेकिन अधातु का सबसे ज्यादा अगर किसी का पूछे तो वो डायमंड का। अगर सब में पूछे कि धातु और अधातु में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो आपको बता देना भाई साहब हीरे का होता है, डायमंड का। ठीक है, अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त इसका क्या हो जाएगा, आपसे डेंसिटी पूछेगा, कोई है डेंसिटी इसकी बताने वाला? 3.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, एग्जैक्टली 3.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, इतनी होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि डायमंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, हीरे से, कि जो हीरे की स्ट्रक्चर होती है ना, ये कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कार्बन आपस में क्या हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एंगल पूछा जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में एंगल, यानी कि आपसे कोण पूछा जाएगा कि कोण कितना होता है, जो संसार का सबसे मजबूत एंगल होता है 109 डिग्री। 109 डिग्री, ये कहीं पर आप क्या कर लेना, लिख लेना। कभी कभी ये भी जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सर हीरे का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो ज्वेलरी बनाने में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ में हार्डेस्ट सब्सटेंस या कंपाउंड जो होते हैं ना, उनकी कटिंग करने के लिए, जैसे कांच हो गया और भी पत्थर वगैरह हो गया, इनकी कटिंग के लिए। तो ये व्हाइट वाला हीरे का उपयोग नहीं किया जाता, ब्लैक डायमंड का उपयोग किया जाता है, यानी ठीक काले हीरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, इसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है, तो सबसे पहले ग्रेफाइट की भी आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए बच्चे। ग्रेफाइट के भी कैसी पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए, इसका भी घनत्व तो पता होना चाहिए। फटाफट से इसका घनत्व तो बता दो और इसका मेल्टिंग पॉइंट बता दो। तो अगर मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बात करूं तो लगभग 3600 डिग्री के करीब करीब होता है, 3600 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है। लेकिन दोस्त ध्यान से सुनिएगा, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अभी तक किसी भी नॉन मेटल में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम थे या फिर थे ही नहीं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें करंट फ्लो होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब के एक ऐसी नॉन मेटल बताओ जिसमें जो विद्युत की कैसी हो, सुचालक हो, यानी गुड कंडक्टर हो। तो आप किसका नाम लिख देना, ग्रेफाइट का। ये क्या है भाई साहब, आपका एब्सेप्शनल केस है, डिफरेंट मोटिवेशन ब्लॉग। ओके, जय हिंद नरेंद्र संदीप, क्या हो जाएगा, मानसी सिसोदिया, जय हिंद बेटा। जल्दी से इसका कमेंट करके बताओ इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी। 2.25 लिख लो भैया, 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ये इसकी घनत्वता होती है। अच्छा, इनके बीच में भी कार्बन और कार्बन के बीच में कोण पूछा जाएगा, तो 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का, ये सबसे मजबूत संसार का कोण है। अच्छा, जब कोण की बात ही आ जाती है तो एक दो चीजें और आपको याद रखना है कि जो पानी होता है ना, जल,
पानी H2O, H2O में क्या होता है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन को लेके घूमता है और दोनों हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है ये होता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। तो पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले कोण को क्या बोला जाता है, तो आप बोल दो कि 104.5 डिग्री। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहाँ से बेटा, यहाँ से यानी डायवन से। अच्छा, आपसे पूछे जाएगा कि अनाकार कार्बन क्या होते हैं, तो आपको बता देना ये आपके रवे फॉर्म होते हैं कार्बन के, है ना, क्रिस्टलाइज रवे फॉर्म होते हैं जिनका कोई अपन यहाँ पर लेना देना इसका है नहीं, तो यहाँ अपन इसके बारे में नहीं जानेंगे। बस इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चारकोल, यानी सबसे ज्यादा कार्बन इसमें होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलो। हाँ भाई, लाइक भी करते जाना है सभी लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या लिखा है, 1918 की फ्लू महामारी जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है किसके कारण हुई थी। द 1918 फ्लू पेंडेमिक आल्सो कॉल्ड द स्पेनिश फ्लू वॉज कॉज्ड बाय, यानी कि जो फ्लू बीमारी थी जिसे स्पेनिश फ्लू कहा गया है ये किसके कारण, किस वायरस के कारण हुई थी। तो भैया आपको बताओ, जितनी भी फ्लू होती है वो सारी वायरस के कारण ही होती है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ हूँ। तो जितनी भी फ्लू नामक बीमारी होती है ये किससे होती है, वायरस से होती है। तो अब मैं एक एक करके हर एक ऑप्शन को क्या कर रहा हूँ, तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा कि इसका सही आंसर परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, इधर देखें, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, यही बिल्कुल आपके स्वाइन फ्लू का भी वायरस होता है और यही वो फ्लू वायरस है जिसको स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, स्वाइन फ्लू। और ये किससे फैलता है, ये फैलता है सुअर से। ठीक है, यानी जो सुअर वगैरह होते हैं इनसे ये वायरस फैलता है और हमको सांस लेने में क्या होती है दोस्त, दिक्कत होती है। तो जो आपकी फ्लू बीमारी हुई थी वो किसके कारण हुई थी, H1N1 के कारण हुई थी। अरे इन्फ्लुएंजा तो आपके पैरामोक्सी वायरस से हुई थी, आपको पता नहीं वो H1N1 कैसे हो जाएगा दोस्त, है ऑप्शन जिसे सी लगा रहे हैं वो तो सीधा सीधा गलत लगा रहे हैं। सोर्स क्या होता है, सोर्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वायरस। जब आपके बॉडी पे ग्रुप ऑफ वायरस अटैक करते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये जो ट्रेकिया होता है ये क्या होने लगता है, बिंड होने लगता है, या फिर आप बोल दो कि ये थोड़ा सा ना रिदम पकड़ने लगता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं और हमको खुजलाहट होना होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सारी चीजें होती है। और इसका फुल फॉर्म पूछे सोर्स का तो लिख देना है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और दोस्त देखो, जहां जहां तुमको रेस्पिरेटरी की बात की जाए तो समझ लो भैया वो सांस लेने से संबंधित ही चीजों में क्या करेगा, दखलंदाजी करेगा। ठीक है, ये तो पक्का था। अब आगे दीपक, जय हिंद। अब देखो, जो इन्फ्लुएंजा सी वायरस होता है ये तो इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है, सीमियन वायरस भी आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल जानना हो तो आप बोल सकते हो कि साहब ये सारे के सारे वो वायरस हैं जो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं हमको क्या कर रहे हैं दोस्त, अफेक्ट कर रहे हैं। बोलो क्लियर है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हिंदी में। तो इसका फुल फॉर्म कैसे हिंदी में लिख दूं दोस्त, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेक्स लिंक्ड डिजीज, निम्नलिखित में से किसे सेक्स से जुड़ी बीमारी कहा जाता है। ठीक है, तो भैया आपके सामने ऑप्शन क्या दिया गया है, ल्यूकेमिया, दूसरा है अलाइजर, तीसरा है कुरूपता और चौथा है कलर ब्लाइंडनेस। तो जल्दी से बताओ कि कौन सी वो बीमारी है जो सेक्स लिंक्ड बीमारी है। और इसके लिए मैं बता दूंगी, स्पेशली मेल में ज्यादा होती है और फीमेल में कम होती है, मेल में लगभग 8% तक होती है, फीमेल में 0.4% तक होती है। इस बीमारी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दिनेश, मुस्कान, प्रिया, राजेश, अमन, हाँ जी, दीपक, नरेंद्र, सलोनी, सुनीता, ओके बेटा एक बार क्या करो कि जितने भी आर्मी वाले बच्चे हैं इन लोगों तक लिंक को शेयर कर दो ताकि वो वाले बच्चे भी आ जाएं। यहाँ तक अभी आर्मी के बच्चे नहीं दिख रहे हैं, एक दो बच्चे ही दिख रहे हैं, एक प्रशांत दिख रहा है, एक मुस्कान दिख रहे हैं बेटा, बाकी लोग ठीक है, चलें नेक्स्ट। हाँ, बी ऑप्शन लगा रहे हैं कि सर बी हो जाए, नहीं नहीं अलाइजर नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, बी तो मैंने वैसे कर दिया कि सर अलाइजर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अलाइजर एक ऐसी बीमारी है बच्चे जिसमें हमारी याददाश्त खत्म हो जाती है, यानी हमारी पावर सोचने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, याददाश्त। ठीक है, याददाश्त कैसी हो जाती है दोस्त, खत्म हो जाती है, इसको तो अलाइजर को तो हम ये बोल सकते हैं। आपसे कुरूपता बोले, ठीक है, मैग्नेंसी क्या होता है, कुरूपता क्या होता है, कभी इसके बारे में पूछ लेता है,
हाँ बिल्कुल आए नहीं, सभी लोगों को ये पता है ना कि 8:15 बजे से क्लास होती है, आज थोड़ा सा जल्दी होगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक्चुअली मैं कुरूपता का मतलब बुरी आदतों से ले लो कि जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं जनरली तौर पे वो सुधरती नहीं है, उसी को हम जनरली बोल देते हैं मैलिग्नेंसी। अब आपके सामने कलर ब्लाइंडनेस है और ल्यूकेमिया है, और ल्यूकेमिया आपको पता है बहुत अच्छे से कि ल्यूकेमिया का मतलब होता है जब आपके ब्लड में WBC की क्वांटिटी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाती है तो हमको क्या हो जाता है ल्यूकेमिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है, अब कभी कभी ये तो हो जाएगा सर कि मान लीजिए WBC बढ़ गई तो ल्यूकेमिया हो गया जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान लिया जाए हमारे शरीर की WBC क्या हो जाए कम हो जाए तो हमारे अंदर शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और उस बीमारी को बोला जाता है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इन दो शब्दों में फर्क जानना। ल्यूकोपेनिया एक होता है ल्यूकेमिया और दूसरा होता है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है WBC की क्वांटिटी बढ़ना और ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है WBC की क्वांटिटी घटना। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसे सेक्स लिंक्ड बीमारी कहा जाता है। ठीक है, अब आप सुनिएगा, इस बीमारी के बारे में बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहला क्या लिखोगे, पहला ये मेल में कितने परसेंट तक होती है, जनरली तौर पे लगभग 8% तक। अगर इसकी बात करें कि सर ये फीमेल में कितनी होती है तो लगभग 0.4% तक। ठीक है, फिर आगे आ जाता है कि सर इसमें हमारी आंखों की कौन सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हमारी आंखों की कौन सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि शंकु कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। सर शंकु कोशिकाओं की बात करें तो शंकु कोशिकाएं क्या करती थी, तो भैया हम जो कलर पहचान पाते हैं, कलर देखने का काम कौन करते हैं, हमारी आंखों में शंकु कोशिकाएं। जब यही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो हम फिर कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कौन कौन से कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, सुनो, तीन कलर हैं जिसको बोला जाता है RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, और इन तीनों को ही बोला जाता है प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक रंग। तीनों को क्या बोला जाता है, प्राइमरी कलर यानी कि ठीक प्राथमिक रंग। और जब मैं प्राथमिक रंग की बात करता हूँ कि प्राथमिक रंगों को क्या नहीं किया जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता है इसमें, तो भैया ऐसे लोगों को दो तीन जगह क्या नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती। सबसे पहले कहाँ नहीं मिलती है, एक तो डिफेंस में यानी डिफेंस सेक्टर में आप चले जाओ तो यहाँ पर आपको जॉब नहीं देंगे। दूसरा आप चले जाओ कहाँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी आपको क्या नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, है ना। और तीसरा आप रेलवे में चले जाओ, रेलवे वाले भी इनको जॉब नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, मान लो अगर आपको लोको पायलट बना दिया और सिग्नल लगा हो रेड का और रेड का आपको दिख जाए ग्रीन, तो आप ट्रेन रोकोगे थोड़ी। ठीक है, हाँ लाइसेंस भी नहीं मिलता है। अरे भैया आर्मी का पेपर कब होगा, दीपक ठाकुर पूछ रहे हैं कि आर्मी का पेपर कब होगा, तो भैया ये बताओ किस AR की बात कर रहे हैं आप। दिनेश प्रिया अमन सही आंसर था। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करें क्या लिखा है। लिखा है कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दिखाई देने वाली धागे जैसी संरचना को कहते हैं, है ना, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन और कॉल्ड, कोशिका विभाजन के समय धागे नुमा एक जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यही धागे नुमा संरचना टूट टूट के दो दो के फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है और पेयर बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोमोजोम। अरे क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र बोलते हैं। अरे भैया क्लियर है, ठीक है बिल्कुल सही बात है, क्लियर है, यानी क्रोमोसोम की मैं बात करूं। अब जब क्रोमोसोम की बात आ ही गई है, गुणसूत्र की बात आ ही गई है, तो अब मुझे बताना है फटाफट से इससे जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं, मनुष्य की अगर मैं बात करूं कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भैया आप बताओगे 46, और अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े, कितने 23 जोड़े। भैया ये तो हो गए जोड़े में और अलग अलग। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम प्लांट में किसमें होते हैं, तो आप बोलोगे सर पी में, यानी कि ठीक मटर में। मटर में कितने होते हैं, टोटल 14, यानी कि अगर मैं पेयर में बात करूं तो 7 पेयर होते हैं, और इसी 7 पेयर को लेकर मेंडल जी ने काम किया था मटर के ऊपर। ठीक है भाई नेक्स्ट चलो। अच्छा एक और फेमस होता है डॉग के अंदर, डॉग के अंदर यानी कुत्ते के अंदर कितने होते हैं, देन आप बोलोगे कि 78, कितने होते हैं 78, और जब 78 अगर नंबर में होते हैं तो 39 पेयर में होंगे, किसमें होंगे 39 पेयर में होंगे, बोलो क्लियर है। तो ये तो था क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी,
क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? तो भैया क्रोमोसोम की खोज किसने की है जल्दी से कमेंट करके बताओ। खोज, अगर मैं इसकी खोज पूछूं कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, वाल्थर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? वाल्थर फ्लेमिंग ने। एग्जैक्टली, वाल्डेयर ने नाम दिया था दोस्त, है ना। इस किसने खोज किसने की थी? खोज की थी वाल्थर फ्लेमिंग ने, वाल्थर फ्लेमिंग ने। और नाम किसने दिया था? अगर टर्म पूछे कि टर्म किसने दिया था, ये शब्द किसने दिया था, तो आप बोल देना वाइल्डेयर। हालांकि ऑप्शन में देखो क्या होता है, वाइल्डेयर ही लिखा आता है। खोज में भी क्या लिखा आता है? वाइल्डेयर ही लिखा आता है कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो वाइल्डेयर ही लिखा आता है। क्लियर है? हाँ, फ्लेमिंग ने खोजा था। नहीं नहीं, खुराना साहब ने नहीं की थी भैया। खुराना साहब ने तो जो जीनोम थ्योरी का जेनेटिक कोडिंग थी उस पर काम किया था। ये इधर मत उनको घसीटो भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सर इसी के लिए क्रोमोसोम के बारे में और थोड़ा सा कि सर क्रोमोसोम क्या कर रहा है हमारे बॉडी में। तो क्रोमोसोम क्या करता है कि हमारे जेंडर को डिसाइड करता है। होने वाला जो बेबी होगा वो मेल होगा कि फीमेल, ये कौन डिसाइड करेगा? क्रोमोसोम डिसाइड करेगा। और क्रोमोसोम अपने साथ लेके चलता है जीन को। जीन क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो कौन लेके आता है? क्रोमोसोम बोल दो या फिर जीन बोल दो। क्लियर है? हाँ, अनुराग, जिन, हाँ, जीतू, प्रिया, अमन, सुनीता, दिनेश, भावना, गुर्जर, यश, वाह, वेरी गुड। ठीक है भाई, फिर आगे चले, यहां से इतना क्वेश्चन बना सकता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिया गया है। अभी तक 50 लाइक नहीं पहुंचे भैया। कौन है जिसने लाइक नहीं किया है? जल्दी से लाइक कर दो, 50 लाइक आज। हाँ, अमन प्रताप जी डिसाइड करेंगे। इसीलिए तो हर सब्जेक्ट का फादर होता है। किसी सब्जेक्ट का मदर सुना है कभी? मदर ऑफ बायोलॉजी, मदर ऑफ हिस्ट्री, ऐसा कुछ कभी सुना है? फादर ही होता है लगता है। ठीक है, बताओ भाई क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? देखो क्या लिखा है। Which of the following is used as a biofertilizer for soybean crop? अच्छा, जितने भी दलहनी फसलें हैं जिनको legume crops कहा जाता है, ठीक है बच्चे, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितनी भी दलहनी फसलें होती है जिनकी दाल बनाई जा सकती है, इनको बोला जाता है legume crop, legume crop, ठीक है, legume crop। इनमें सारा का सारा कुछ ऐसे बायोफर्टिलाइजर या बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कहाँ? एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से। वायुमंडल से ये नाइट्रोजन लेते हैं। इनको अलग से यूरिया डीएपी देने की जरूरत नहीं है। यूरिया तो खासतौर से इनको देने की जरूरत नहीं है जितने भी लेग्यूम क्रॉप हैं, क्योंकि यूरिया में होता है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन ऑलरेडी कहाँ से ले रहे हैं? नाइट्रोजन ऑलरेडी ले रहे हैं भैया एटमॉस्फेयर से। तो आप कह सकते हो कि जितना भी सोयाबीन वाली क्रॉप है या जितनी दलहनी फसलें हैं, वो कोई ना कोई बैक्टीरिया इनके अंदर है जो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, जो कौन सा होता है? तो आप बोल दोगे राइजोबियम। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने राइजोबियम लगाया है वो फटाफट से इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर आगे आता है कि सर जो एजोटोवेक्टर होता है ये भी तो एक बायो फर्टिलाइजर होता है। बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नॉस्टिक क्या होता है? नॉस्टिक एक एल्गी होती है। नॉस्टिक एक एल्गी होती है जिसको सवाल बोला जाता है। क्या होती है? एक सवाल होती है, और जो किसके उपयोग आती है? खाद बनाने के, जैसे नॉस्टी हो गया, एनावीना हो गया, बोलवेक्स हो गया, कारा हो गया, ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं सवाल की जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? देन आप बताओगे कि जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, उसके लिए किया जाता है, ठीक है दोस्त। बिल्कुल, चलो आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा सवाल मनुष्य के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है भाई? Which algae can be used as food for the human being? मनुष्य कौन सी सैवाल को खाने के रूप में उपयोग करता है? क्लोरेला, ठीक है, हाँ, पॉलीसिफोनिया, तीसरा है यूलोथ्रिक्स, और फोर्थ होता है स्पाइरोगायरा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सी वो वैरायटी है एल्गे की या सैवाल की जो खाने के रूप में उपयोग की जाती है, खाने के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है।
फटाफट से दिनेश बोला कि सर डी हो जाएगा स्पाइरोगायरा। अरे दोस्त स्पाइरोगायरा को मत खा लेना, स्पाइरोगायरा देखो क्या होता है, पानी की ऊपरी सतह पे ये शैवाल मिल जाएगी और जब इस शैवाल को माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो एक लंबी थ्रेड लाइक एक धागे नुमा संरचना आपको दिखाई देगी इसकी। ये तो खाने के रूप में उपयोग नहीं की जाती है। अच्छा ये ग्रीन एल्गी का ही ये टाइप है, हरित शैवाल का ही एक टाइप है, तो ये तो नहीं की जाती है। कुछ आंसर बोला है कि सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरेला, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले अब मैं आपको सारी वैरायटी वो लिखवा दूं जिन जिन का उपयोग अपन खाने के रूप में करते हैं, ठीक है। एल्गी की ऐसी वैरायटी जिनका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है और क्यों करते हैं, तो देखो आप कभी सोचते नहीं हो कि जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने साथ खाने के लिए क्या ले जाते हैं। वो अपने साथ कुछ तो है जो खाने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या नहीं है, ऊपर आपके आप बोल सकते हो कि ना तो उधर आप गैस सिलेंडर ले जा सकते हो, वो वैक्यूम है, उधर कोई गैस है ही नहीं, ना ही वहां ग्रेविटी है। अगर ना तो वहां रोटी ले जा सकते हो, ना गैस ले जा सकते हो, कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो वहां हाँ इन्हीं के रूप में बेटा उनका उपयोग खाने के रूप में करते हैं इन एल्गी का। कौन कौन सी एल्गी है जिनका उपयोग खाने में करते हैं, तो भोजन के रूप में जितनी भी शैवाल है जिनका उपयोग किया जाता है, पहली है क्लोरेला। पहला कौन सा बच्चे? क्लोरेला, ठीक है। तो पहला हम बता देंगे कि पहला हो जाएगा दोस्त क्लोरेला। अच्छा दूसरी एक और वैरायटी है जिसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्वा। तीसरा अगर आपसे पूछे कि कौन सी वैरायटी है, तो आपको बोला है क्लोरेला, अल्वा और ल्यूमेनेरिया, ठीक है। तो ल्यूमेनेरिया ये होता है भाई साहब खाने वाली वैरायटी, ल्यूमेनेरिया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ये वो वैरायटी है जिनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सर कौन कौन सी ऐसी एल्गी है जिनका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है, तो देखो अगर पूछ ले कि खाद बनाने में या उर्वरक बनाने में, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर बनाने में कौन से आपके एल्गी का उपयोग किया जाता है, तो लिख लेना नीचे। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा नॉस्टिक या नॉस्टी, दूसरा हो जाएगा एनाविना, दूसरा कौन सा हो जाएगा एनाविना, तीसरा कौन सा हो जाएगा बोलवैक्स, तीसरा हो जाएगा बोलवैक्स, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा कारा, फोर्थ कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, कारा हो जाएगा। तो आप कह सकते हो तो एक तो हो जाएगा नॉस्टिक, एक कौन सा हो जाएगा नॉस्टिक, सेकेंड हो जाएगा एनाविना, ठीक है, थर्ड कौन सा हो जाएगा बोलवैक्स, थर्ड हो जाएगा बोलवैक्स, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा कारा। ये चार वो वैरायटी हैं, ये चार बच्चे वो वैरायटी हैं जिनका उपयोग हम खाद बनाने में किया जाता है, और ये स्पेशली खाद धान की फसल के लिए होता है। किसके लिए? धान की फसल के लिए होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल रोशन जी, बिल्कुल जीडी के लिए है, जहां जहां भी जनरल साइंस आती है, इसीलिए मैं केवल एक ऑप्शन पे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ, हर एक ऑप्शन पे मैं बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन बना के भी दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि सर कुछ और एल्गी हैं जिनका माइक्रोबायोलॉजी लैब में उपयोग किया जाता है अगार जेल बनाने में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में अगार जेल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, अगार जेल, और वो कौन सी वैरायटी है अगार जेल बनाने के लिए, तो बच्चे आप नीचे लिख लेना कहीं पर, एक होती है जेलिडियम और दूसरी होती है ग्लेसलेरिया, एक होती है जेलिडियम और सेकंड मेरे दोस्त क्या होती है, ग्लेसलेरिया, तो सेकंड कौन सी होती है, ग्लेसलेरिया, ठीक है। एक होती है जेलिडियम जिसको मैं हिंदी में इधर लिख लाऊं जेलिडियम, और दूसरी होती है ग्लेसलेरिया, ठीक है, दूसरी क्या होती है, ग्लेसलेरिया। हो जाएगा भाई यहाँ तक प्रॉपर है बेटा, बस बहुत सही। हाँ ऋषि जय हिंद, लाइक सभी को करना भैया, लाइक जरूर करते जाना। तो आप कह सकते हो कि ये वो क्लोरेला है, इसमें अच्छा प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग खाने के तौर पर हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से करें, कितने बच्चे हैं जो इसका परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस दैट इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, वायरस का प्रोटीन कोट जो अनुवांशिक सामग्री को घेरता है, यानी जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कवर करता है, तो वायरस का ऐसा कोट, बाहर की ऐसी स्ट्रक्चर जो अनुवांशिक पदार्थों को क्या करता है, घेरता है, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विरियन, ऑप्शन नंबर सेकंड है कैप्सिड, ऑप्शन नंबर थर्ड है पेप्लोमर्स, और ऑप्शन नंबर कैप्सोमर्स। जल्दी बताओ भैया, सुनीता, दिनेश, रोहित, अमन, वेरी गुड बेटा ऋषि,
क्या शानदार जवाब दे रहे हो कि सर कैप्सिड हो जाएगा। कैप्सिड सही है कि गलत है ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा ना। वो आई थिंक आप जितने बच्चों ने आंसर दिया वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कैप्सिड। तो आप बोल सकते हो कि वायरस का सबसे ऊपर वाला भाग या ऊपर वाला कोट का क्या नाम होता है, कैप्सिड होता है। आपसे पूछा ये भी जाएगा कि सर वायरस से क्वेश्चन, वायरस की, अब वायरस का जब नाम आया है तो वायरस से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर वायरस की खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड। तो भैया वायरस की जल्दी से खोज बता दो कि वायरस की खोज किसने की थी। आप बोलोगे सर इवानोव्स्की ने। किसने खोज की थी, इवानोव्स्की ने। कब की थी, 1892 में। यानी कि इवानोव्स्की करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की थी कब, 1892 में। हालांकि कुछ और ऐसे जैसे कुछ और वैज्ञानिक आए थे, बेंजरिक करके एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो वायरस होता है ना, ये वाइवम कंटेजियम फ्लूड होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है। ये वो बताने वाले अलग थे। थोड़ा सा और अपन चलेंगे कि सर वायरस में पहला खोजा गया वायरस कौन था, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। जल्दी से कमेंट करके बताओ पहला खोजा गया वायरस, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। तो अगर आपसे पूछे कि पहला खोजा गया वायरस, पहला खोजा गया वायरस, तो कोई बता सकता है मुझे पहला खोजा गया वायरस कौन सा है, है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, है कोई बच्चा जो बोल सकता है? ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि पहला खोजा गया वायरस कौन सा है। ठीक है, चाहे उपाप चाहे, देखो दो प्रोसेस होती है, कैटाबोलिज्म और एक मेटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना, और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का बनना। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कुछ चीजें बन भी रही हैं, कुछ चीजें टूट भी रही हैं। तो टूटना बोला कैटाबॉलिक प्रोसेस और बनने वाले को मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि भैया पहला खोजा गया वायरस था टीएमवी, टीएमवी। अगर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछे, दैट इज कॉल्ड टोबैको मोजेक वायरस। क्या बोला जाता है, टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू का मोजेक वायरस। पहला खोजा गया वायरस था ये, और एकमात्र ऐसा वायरस बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है, बेनिफिशियल, हमारे लिए एक लाभदायक वायरस का नाम बताओ फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये गंगा के पानी में पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन सा, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आपको बता देना हमारे लिए एक बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, एक्चुअली में ना ये एक फैमिली है बैक्टीरियोफेज, सही एग्जाम्पल इसका ना मैक्रोफेज वायरस है, मैक्रोफेज। तो ऑप्शन में या तो बैक्टीरियोफेज लिखा मिले या फिर मैक्रोफेज वायरस लिखा मिले। ये वायरस एकमात्र ऐसा वायरस है भाई साहब जो हमारे लिए लाभदायक होता है। और जी हमारे कहाँ पाया जाता है, तो बोल रहा है गंगाज वाटर में, गंगाज वाटर, गंगाज वाटर का मतलब है बच्चे गंगा के पानी में। तो गंगा के पानी में, गंगा के पानी में पाया जाने वाला जो वायरस है वो कौन सा है, मैक्रोफेज या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, क्लियर है भाई। अब मुझे थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि सर वायरस किससे मिलकर बना होता है, तो वायरस में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। यानी कि वायरस में मेनली क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डीएनए नहीं हो सकता है, कभी कभार डीएनए भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में वायरस में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, हाँ आयरन, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। ये हमारे वायरस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा और अगर वायरस से पूछते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा पूछे जाएगा, अगर पूछे तो लिख लेना। कबर कभी आपसे पूछता है कि हमारे शरीर में जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, यानी जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बता रहा है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वायरस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपन क्रिस्टल के फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सर क्रिस्टल क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो नमक के ढेले होते हैं ना आपके घर में, वैसे आप वायरस को अपने घर में प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, और वायरस वैसे भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो आप कह सकते हो कि जब वो बॉडी से बाहर रहता है तब तक वो इनएक्टिव है, जैसे बॉडी के अंदर जाता है वो एक्टिव हो जाता है। तो इसी की वजह से पानी सड़ता नहीं है कभी, ऋषि बोल रहा है। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल ऋषि कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। इसका आंसर कितने लोग सही दे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वायरस।
अच्छा सबसे बड़ा वायरस बताओ भैया, ये तो अपन बताना भूल ही गए हैं। सबसे बड़ा वायरस आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा हो जाएगा। पहला है मेगा वायरस काइनेंसिस, दूसरा है अरबो वायरस, तीसरा है हर्पीज वायरस और फोर्थ होता है मम्स वायरस। तो आप जरा सबसे बड़ा वायरस के बारे में मुझे बता सकते हैं कि सबसे बड़ा वायरस क्या होगा? जय सिंह ठाकुर जी, अमन, ऋषि, सुनीता, मुस्कान, यश, गुर्जर, प्रशांत, स्वीटी स्वीट्स, ओके, रोहित, क्या हो जाएगा भाई? लाइक किसने ने किया? मेहनत में कमी लग रही है क्या भैया? मेहनत तो एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाली चल रही है, लेकिन तुम लोगों के लिए लाइक के लिए बार बार बोलना पड़ता है। हाँ जी, क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी लगा रहे किसे? अरे भैया अरबो वायरस नहीं है, अरबो वायरस नहीं है, ये तो फैमिली है। हर्पीज वायरस हर्पीज बीमारी को करता है, मम्स वायरस मम्स बीमारी को करता है, ये तीन नहीं है। देखो अगर नाम से समझ पा रहे थे तो ये लिखा था मेगा, मेगा मतलब बड़ा, सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा वायरस के ना टाइप पूछे जा सकते हैं तुमसे, तो भैया लिख लेना टाइप्स ऑफ वायरस, अगर पूछ ले तो टाइप्स ऑफ वायरस, तो भैया टाइप्स ऑफ वायरस में आप लिख लेते हैं वायरस के प्रकार, वायरस के प्रकार। और वायरस होते हैं मोस्टली तीन प्रकार के। सबसे पहले बोला जाता है प्लांट वायरस, प्लांट वायरस यानी कि पादप के जीवाणु, सॉरी विषाणु, पादप के प्लांट में जो बीमारियां कर करते, कौन कौन सा होता है? टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। दूसरा कौन सा होता है? पीएमवी, पोटैटो मोजेक वायरस। और तीसरा होता है वाईवीएमवी, एलो वाइन मोजेक वायरस, जो भिंडी में होता है। ये किसमें होता है बच्चे? भिंडी में, ठीक है। ये किसमें होता है? तो ये होता है टमाटर में, टमाटर में। और ये वाला वायरस किसमें होता है? तंबाकू में होता है। तो ये प्लांट के वायरस है जो मोस्टली आपको याद रखने हैं। मोस्टली क्या करना है आपको याद रखना है, कौन कौन से? देखो टोबैको मोजेक वायरस, पोटैटो मोजेक वायरस, वाईवीएमवी, येलो वाइन मोजेक वायरस, है ना, ये भिंडी में होता है। आपसे दूसरा पूछा जाएगा कौन सा? तो एनिमल वायरस। एनिमल वायरस में तो बहुत सारे हैं ऐसे वायरस जो एनिमल में बीमारियां करते हैं, जानवरों में बीमारियां करते हैं। अरबो वायरस है, रेट्रस वायरस है, राबदा वायरस है, पोलियो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये सारे के सारे किस्में हैं, तो बता देना एनिमल वायरस में, ठीक है। कौन कौन से? एक है रेट्रस वायरस, रेट्रस वायरस, तो आप लिख लेना रेट्रस। दूसरा है राबदा वायरस, राबदा वायरस। तीसरा हो जाएगा कौन सा? तो बोलना है रेट्रो वायरस, या फिर आप लिख सकते हो कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। और चाहो तो आप लिख सकते हो पोलियो वायरस, कौन सा लिख सकते हो? पोलियो वायरस। पैरामुक्सी वायरस होता है, ये सारे के सारे फ्लू वाले वायरस होते हैं, ठीक है बच्चे? अरे क्लियर है, नेक्स्ट चलो। हाँ संदीप, यस बिल्कुल। तो अपन अच्छा तीसरा टाइप और पूछ ले, तो तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो अभी मैंने बोला था गंगा के पानी में जो पाया जाता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तीसरा कौन सा होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। अरे बोलो क्लियर है दोस्त? ठीक है, अच्छा क्लियर है तो सारे के सारे अनुभव जय हिंद। सारे के सारे एक बार कमेंट करो क्लियर है। ठीक है चले भाई, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो भाई फटाफट से। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अस, क्या लिखा है भाई? क्राइटेरियन फॉर एन एलिमेंट टू बी टर्म्ड एन एसेंशियल, निम्नलिखित में से एक तत्व को आवश्यक कहा जाने वाला मानदंड नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा कौन सा ऐसा तत्व है जो हाँ रिक्वायरमेंट के लिए नेगेटिव है, मतलब जरूरी नहीं है? रितेश, आयुषी, ओके, यश, जय सिंह, क्लियर है। चलो भैया बताओ जल्दी से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा तत्व आया आवश्यक कहा जाने वाला मानदंड नहीं है, कि आवश्यक नहीं है। पहला क्या लिखा है? द एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भैया यही है आंसर। हमारे जितने भी तत्व होते हैं वो वृद्धि एवं विकास के लिए ही चाहिए, और ये बोल रहा है कि नहीं चाहिए, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। चलो अगला आ जाओ, क्या लिखा है? खालिस्तान इज द टेक्निक वेयर द प्लांट आर ग्रोन विथ देयर रूट
सस्पेंडेड इन द एयर, एक ऐसी तकनीक जिसमें पौधे को उनकी जड़ों को हवा में निलंबित करके उगाया जाता है। हाँ भाई, हवा में पौधे को उगाने की तकनीक को क्या बोला जाता है? जैसे पानी में उगाने की तकनीक को क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है ना, कि हाइड्रोपोनिक्स होता है, हाइड्रोपोनिक्स होता है। तो फटाफट से हवा में उगाने वाले पौधे की तकनीक को क्या बोलेंगे? हवा में उगाने की तकनीक को क्या बोलेंगे? अगर आप नाम से समझ में आ पा रहा है ना, तो आप डेफिनेटली बता दोगे कि भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स, देखो ऑस्मोसिस तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर कंसंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन। तो भैया ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, इसको हटा दो। एरोफाइट्स का मतलब होता है कि आप मतलब फाइट्स का मतलब होता है पौधा, और एरो का मतलब होता है कि हवा में, लेकिन हवा में वो वाला पौधा नहीं, जो हवा में उगने वाला पौधा नहीं है, ये गलत हो जाएगा एरोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे बता है एरोपोनिक्स, क्योंकि देखो उगाने की प्रोसेस को बोला जाता है पोनिक्स, और ये होता है फाइट्स, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर है, क्लियर है। आराधना, प्रिया, सुनीता, रोहित, यश, जयसिंह, अनुभव, रितेश। अगला क्वेश्चन आयुषी, क्या लिखा है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप का जहर आमतौर पर एक खुले घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और खाली स्थान के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। अब मुझे ये बताओ, अगर सांप काट लेता है किसी को, तो उसका जो जहर होता है, उसका जो बीनोम होता है, वो बीनोम किसके माध्यम से बॉडी में इंटर करेगा? पूरे बॉडी में घूमता है और बहुत जल्दी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। पहला है वेंस यानी नसों, नसों के माध्यम से तो नहीं होता दोस्त, ये तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि नसों के माध्यम से नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, तीसरा है आर्टरीज। अरे भैया, आर्टरीज और जो आपके वेंस होती हैं, ये किसी सिस्टम के अंदर होती हैं, तो पहला जब सिस्टम लिखा है तो आप इसी पे ना लगाओगे, लिम्फेटिक सिस्टम कौन सा हो जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम, दिनेश। हाँ, ऑप्शन सी तुम लोगों ने गलत लगा दिया, आराधना गलत लगा दिया बच्चे, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा जो बीनोम होता है, ये पूरे बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। चलो भैया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये लिखा है, क्या हो जाएगा? ह्यूमंस आर हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इन द देयर ब्लड, सिमिलरली मोलस्क आर एंड क्रस्टेशियंस यूज्ड खालिस्तान टू कैरी ऑक्सीजन इन देयर ब्लड। देखो, ह्यूमन की वो बात कर रहा है कि मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वैसे ही मोलस्क का जितने भी एनिमल होंगे, जैसे आप ना एक इसका एग्जाम्पल लिख लो, ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस जो होता है वो मोलस्का के अंदर आता है। ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है ना, वो ब्लू होता है, नीला होता है, यानी नीला। तो हमारा ब्लड यदि लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, तो ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है ब्लू, ये किसके कारण होता है, ये आपको बताना है, ये आपको बच्चे बताना है, ठीक है। आरबी स्ट्रगल बोले, सर आरबी फॉर्म कब ऑनलाइन होंगे? देखो, ऐसा जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये फॉर्म अभी अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि कुछ समय पहले अभी नोटिस आया था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ये बताया गया था कि पहले आपको रिटन की तैयारी करना है, देन आपको फिजिकली है। अगर ये नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया है, दिया है, तो आप ये मान सकते हो कि आर्मी वाले अभी एक्टिव हैं, और एक्टिव हैं तो वो किसी भी वक्त आपके दे सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कहीं से भी हो आप, जिसने ओवरऑल इंडिया की जो भी पहले रिटन एग्जाम होगी, देन उसके बाद पे हर एक एआरओ अपना पर्टिकुलर क्या कराएगा, फिजिकल कराएगा, तो वो बहुत ही जल्दी आएंगे, ठीक है। संतोष भारद्वाज, चले भैया क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ठीक है। तो देखो, अगर कभी भी आपसे ऑक्टोपस का ब्लड पूछे तो किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है बच्ची, ये ना कहीं लिख लो, जो नीला होता है किसके कारण, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कमिंग सून बिल्कुल आएगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भैया जल्दी से, आप एक दो तीन चार क्वेश्चन और बचे, अपन खत्म कर लेते हैं। क्या लिखा है? एक संतान अपने माता पिता के समान दिखने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता जैसा अगर दिख रहा हूँ, तो इसको मैं बोलूंगा क्या? मेरे माता पिता के मेरे अंदर जीन आए हैं, और जीन आए हैं तो हो सकता हो मेरी जो जैसी मेरी शक्ल मेरी माँ की है, मेरे मम्मा की है, वैसी शक्ल मेरी हो सकता हो जो मेरी बात करने का स्टाइल हो मेरे फादर जैसा हो। तो ये क्या होते हैं? जेनेटिक लक्षण, जेनेटिक करेक्टर होते हैं। तो ये जेनेटिक करेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं भाई साहब? इनको बोला जाता है हेरिडिटी। क्या बोला जाता है? अनुवांशिकता। बोलो सही है। अच्छा, जिन्होंने हेरिडिटी लगाया है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल क्या है? सही है,
ठीक है। तो हेरिडिटी अनुवांशिकता का मतलब होता है कि आप अपने माता पिता जैसे दिखना, अपने माता पिता जैसे बात करना, और ये किसके कारण होता है, ये इनहेरिटेंस के कारण होता है। इनहेरिटेंस ये पूरी प्रोसेस है जो माता पिता से बच्चों में जेनेटिक लक्षणों को लाता है, और वो लक्षण दिखना किसके जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है कि भिन्नता होना। माता पिता अगर मान लीजिए कुछ और हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि माता पिताजी को कभी गुस्सा नहीं होता आती, हो सकता हो हमको ज्यादा गुस्सा आती हो, तो आप बोल सकते हो कि हमारे अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ है। माँ के भी जीन आए हैं, फादर के भी जीन आए हैं, और कुछ अपने अंदर से करेक्टर डेवलप हुए हैं, जिसको अपन वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, माता पिता में से किसी एक के लिए F1 का क्रॉसिंग कहलाता है। अच्छा, F1 जनरेशन का यदि मदर और फादर में से किसी एक के साथ करा दें, ये देखो मेंडल वाला आपका क्वेश्चन दे दिया, उसने दे दिया कि मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा, और एक पौधा लिया शुद्ध बोना। जब इन दोनों को भैया क्रॉसिंग कराया गया तो ये दोनों क्या हो गए, एलील अलग अलग हो गए, एलील अलग अलग। इसका इसके साथ किया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ किया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ किया गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका इसके साथ किया गया तो कैपिटल स्मॉल टी, मतलब चार एक जैसे पौधे हुए लंबे। तो अपन एक पौधा का नाम लिख सकते थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, चारों तो नहीं लिख सकते एक। अब उसने बोला है कि ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है इसको बोलेंगे F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। और F1 जनरेशन का यदि माता या पिता में से किसी के साथ भी क्रॉस करा दिया जाए तो इसके बोलेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, फटाफट से कमेंट करो, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, इन्हीं में से दो ही कोई चीज है, क्या बोलेंगे इसको, बैक क्रॉस बोलेंगे। एग्जैक्टली, क्या बोलेंगे बच्चे, बैक क्रॉस बोलेंगे। बोलो सही है, अरे बोलो सही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बैक क्रॉस, यानी F1 जनरेशन का जो ये पौधा बना था, ये चारों, इन चारों पौधे में से किसी एक पौधे का इन दोनों में से किसी एक के साथ क्रॉस करा दिया जाए, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रकाश की अभिक्रिया कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन, लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल के ग्रेना में कंप्लीट होती है। लिख लो कहीं, कहाँ पर, क्लोरोफिल के ग्रेना में, और ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है जिसके कारण खाना बनता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो ग्रेना में होती है, और ग्रेना कहाँ होते हैं, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल कहाँ होता है, हरी पत्तियों में। इसीलिए बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, हरी पत्तियों में होती है या हरे पौधों में होती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई, नेक्स्ट चलो। चलो भाई फिर फटाफट से एक दो क्वेश्चन और बचे, इसको खत्म करें, इसको खत्म करें। क्या लिखा है, जल में घुलनशील प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। अच्छा, ऐसा पिगमेंट जो वाटर सोल्यूबल हो, ऐसा कोई पिगमेंट हमेशा रंग देने का काम करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या है भैया, हाँ, हमारे बॉडी में बहुत सारे पिगमेंट हैं जो कलर देने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो भैया क्या फोटोसिंथेटिक भी होना चाहिए और साथ में वो पानी में घुलनशील होना चाहिए। क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता, जल्दी से। आज देखो जय सिंह बोलना कि सर क्लोरोफिल होता है, अब क्लोरोफिल आपने सही लगाया या गलत होगा, तो एक बात बताओ भैया, क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता है, वो पानी में घुलनशील नहीं है, एक। अच्छा, जेंथोफिल के कारण आपका क्या होता है, बोल सकते हो पीला रंग आता है, जैसे सनफ्लावर होते हैं ना, सूरजमुखी का फूल, उनमें आता है। अच्छा, क्लोरोफिल तो वैसे ही नहीं है, तो बचा क्या है, एंथोसायनिन। क्या बचा है, एंथोसायनिन। एंथोसायनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो वाटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एग्जैक्टली, चलें भाई नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा यही वाला था, तो अब मुझे बता फटाफट से कैसी रही आप लोगों की क्लास, है ना, सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे। और कल भी आपकी क्लास ठीक 7:30 से ही स्टार्ट होगी, बाकी परसों से अपना जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, परसों से प्रॉपरली रहेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो, लिंक को शेयर कर देना, आपके द्वारा शेयर की गई लिंक से अगर किसी बच्चे का 1% भी फायदा हो जाता है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलेंगे कल, हाँ मैथ्स की क्लास आज नहीं है, कल ठीक 7:30 में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंकलाब, जिंदाबाद, गुड नाइट एवरीवन।